अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर आबिद सुलेरी मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद सुलेरी इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI, currently a member of the Pakistan Climate Change Council, the board of directors of the National Disaster Risk Management Fund NDRMF, the board of directors of Benazir Income Support Program BISP, and the government of Punjab's Vice Chancellor's Search Committee for Agricultural Universities, member of the Permanent Organizing Committee of the South Asia Economic. Dr. Suleri has participated in various international events, such as the UN Sustainable Development Summit, the UNFCCC Conference of Parties, COPs, and WTO Ministerial Conferences. Dr. Suleri earned his PhD in food security from the University of Greenwich, UK. He has been assisting different governments in economic policy formulation, thrice served in PM's Economic Advisory Councils, and twice served as Planning Commission's National Advisory Committees. Washington Night Show with Asim Siddiqui. डॉक्टर आबिद साहब के बारे में आप जान गए होंगे और मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सही हालात बताने के लिए सही शख्स हमारे प्रोग्राम में आया है। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो इस वक्त सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो कहां पर खड़ा है, तो आज उनसे पूछेंगे। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने बातचीत करने का मौका दिया। आबिद साहब, हमने देखा कि पिछले कई सालों से जो है पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की नज़रों में है। हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक में जो है पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे एहतजाज भी हुए, लेकिन आज जब हम देखते हैं खबरों में या पाकिस्तान के जो न्यूज़ मीडिया है उधर, कहीं तो पाकिस्तान बहुत अच्छा नज़र आता है और कहीं पाकिस्तान को बिल्कुल नीचे ग्राफ जो है उसका आखिरी दो तीन पर नज़र आता है। लेकिन जब हम स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं या दूसरी चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो हमें पाकिस्तान ऊपर नज़र आता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पहले से बेहतर है या बेहतरी की तरफ जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। जब हम बात करते हैं पहले से बेहतर है, पहले से बुरा है या पहले से वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हमें पहले से की डेफिनेशन करना होगी कि हम पहले से मुराद क्या ले रहे हैं। क्या वो 6 महीने है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है? तो लेकिन थोड़ी सी पहले मैक्रो पिक्चर पे बात करते हैं। इस वक्त कोविड के बाद दुनिया में 55 ममालिक ऐसे हैं जो कि अपने डेट सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस का शिकार है, यानी कि उनके जो कर्जे हैं उनकी अदायगी का एक क्राइसिस जो है उसका शिकार है। इसको ट्रिपल सी क्राइसिस कहा जा रहा है। पहला सी जो है वो कोविड के असरात थे जिन्होंने पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी मईशत की, और इवन जो ओवरसीज बैठे हैं उन्होंने भी देखा कि वेस्ट अपनी तमाम तर प्रिपेयर्डनेस और तैयारियों के बावजूद कोविड से उस तरीके से नबर्दवा आजमा नहीं हो सका जैसे कि समझा जाता था कि शायद पाकिस्तान की तैयारी और अमेरिका की तैयारी या पाकिस्तान की तैयारी और इंग्लैंड की तैयारी का अगर आप फर्क देखें तो हमें लगा कि उसने सबको अपनी लपेट में लिया और तमाम दुनिया उससे मुतासर हुई। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ तो रिकवरी क्विक हो गई, गवर्नमेंट्स की सपोर्ट थी। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहाँ पे ये हिट जो है ये ज़्यादा फील हुई। दूसरा जो बड़ा इशू सामने आया वो कॉन्फ्लिक्ट का है, और स्पेशली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और अब जो गाज़ा में एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप हुई है। और इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के नतीजे में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने क्या किया कि उन्होंने दुनिया में एनर्जी महंगी कर दी, और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि रिसीविंग एंड पे थे, इम्पोर्ट करते थे, हमारे लिए वो एनर्जी जो है वो महंगी होती चली गई। दूसरी तरफ रुपए की कदर जो है उसमें कमी आ रही थी, तो वो महंगी एनर्जी हमें मजीद महंगी मिल रही थी। और अब मशरक़ वस्ता के जो हालात अनफोल्ड हो रहे हैं, यकीनन इसमें भी एक अनसर्टेनिटी स्पेशली एनर्जी मार्केट में, एनर्जी प्राइसेस पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। और जो मेरा तीसरा सी है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए कि कल से दुबई में COP28 जो है वो शुरू हुई है। तो ये जो मौसमियाती तगैयर है, यानी कि इस वक्त दिसंबर शुरू हो गया, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, अभी भी ना हीटिंग ऑन हुई है, मैंने एक पतला सा कोट पहना हुआ है, जब भी
गंदम की कटाई का टाइम आता है पाकिस्तान में, बारिशें शुरू हो जाती हैं, हीट वेव जो है अब पिछले 2 सालों से हम एकदम से मौसम सरमा से सीधे गर्मा में जाके लैंड करते हैं, वो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता चला जा रहा है, हीट वेव शुरू हो जाती है, और अगेन जिस तरह पाकिस्तान में नहीं है, आप यूएसए में भी इस मौसमी तब्दीलियों की शिद्दत को उतना ही फेस कर रहे हैं जितना कि हम पाकिस्तान में बैठे कर रहे हैं। जो पिछले साल का फ्लड था वो सिंध में, जो पूरे साल में जो बारिश होती है वो एक हफ्ते में वो बारिश हो गई, नतीजतन वो सुपर फ्लड हो गया। बीजिंग में अभी हुआ, बीजिंग में इस साल मार्च में जितनी पूरे साल में बारिश होती है वो एक हफ्ते में हो गई, 3-4 दिनों में वहाँ पे फ्लडिंग हो गई। अभी आपके न्यूयॉर्क में हमने देखा था, न्यूयॉर्क भी एक सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। तो ये जो ट्रिपल सी क्राइसिस है उसने तमाम दुनिया को मुतासर किया, उनमें से जो ममालिक जो थे वो तरक्की याफ्ता थे वो तो इस को बर्दाश्त कर गए, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थी पाकिस्तान, श्रीलंका, जैम्बिया, गाना, अर्जेंटीन और इस तरह के, तो एज ए सेट के 55 कंट्रीज, वो जो है उस मुसीबत का शिकार हुए। उसमें फिर हुआ क्या कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसीज थी वो नीचे जाना शुरू हो गई, इम्पोर्ट्स जो हैं वो महंगी होना शुरू हो गई। इम्पोर्ट्स महंगी हुई तो हर मुल्क ने अपने अपने हिसाब से उसको रिएक्ट किया, पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया। जो पहला रिएक्शन बनता है जब आपके पास डॉलर जो है वो महंगा हो रहा हो, मकामी करेंसी जो है उसकी कदर गिर रही हो, तो आप सबसे पहला जो स्टेप लेते हैं आप कहते हैं ये गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं इनको ख़रीदना बंद करें। यानी अगर मेरी तनख्वाह एकदम से आधी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एक्सपेंस लिस्ट को देखूँगा और मैं देखूँगा कि यार ये इसमें गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं पहले तो मैं इनको बंद करता हूँ ना। तो इसी तरह मुल्क भी यही करते हैं। तो इम्पोर्ट पर पाबंदी लगी, इम्पोर्ट पर पाबंदी लगने से रॉ मटेरियल आना जो है वो बंद हुआ, रॉ मटेरियल आना बंद हुआ तो एक्सपोर्ट जो है वो भी मुतासर हुई, तो पूरा एक साइकिल चला। पिछले साल के सैलाब से जो एक सबसे ज़्यादा जो एक एडिड नुकसान पहुंचा वो ये पहुंचा कि टेक्सटाइल सेक्टर जो कि अगेन हमारी एक्सपोर्ट में जिसके 40% से ज़्यादा रोल है, हमारी जो कपास की फसल थी सैलाब में वो आधी रह गई। तो अगर आपके पास कपास अपनी नहीं है तो जाहिर है कि टेक्सटाइल जो फर्म्स हैं उनको ऑर्डर कम्प्लीट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो एक पैनिक बाइंग आ गई थी और जुलाई 2023 जो था ये मुझे अगर इसको मैं बनाता हूँ अपना थ्रेशोल्ड तो जुलाई 2023 वाज अ पॉइंट यहाँ पे कि हम दिवालिया होने के करीब थे। अगर उस वक्त आपके पास ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट ना आता IMF का तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। उसके बाद वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट आया, थोड़ा सा एक सुख का सांस मिला तो फिर हमने देखा कि डॉलर की जो थी कदर एकदम से बढ़ना शुरू हो गई, 350-360 इंटरबैंक में, इवन ओपन मार्केट में 360 का भी नहीं मिल रहा था। और ये वो वक्त था जबकि फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए और उन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने के नतीजे में पता क्या चला कि डॉलर जो था, एक तो पैनिक बाइंग होती है, पैनिक बाइंग का मतलब है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही हो तो मैं आप हम सब कोशिश करते हैं कि यार आज ले लें कल पता नहीं मिले या ना मिले, तो एक तो पैनिक बाइंग हो रही थी, दूसरा उसकी होल्डिंग हो रही थी, ज़खीरा अंदोजी हो रही थी, तीसरा उसमें मनी चेंजर और बैंक्स जो हैं वो मनूवर कर रहे थे प्राइस को, वो अपने स्टॉक रिलीज नहीं कर रहे थे, और पांचवा जो था वो डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था, बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा था। यानी आप देखें कि अफगानिस्तान पिछले 2 साल से आलमी पाबंदियों में है और वहाँ का जो अफगानी करेंसी है वो पाकिस्तानी करेंसी से महंगी है। ये सवाल, सॉरी कतः कलामी की माफी, ये सवाल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आखिर अफगानिस्तान के अंदर ऐसा क्या है कि उनका जो करेंसी है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छी है जबकि वो इसलिए अच्छी है कि पाकिस्तान का डॉलर वहां पे स्मगल हो रहा था। और जो ट्रेड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ट्रेड है उसका भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो किस तरह पाकिस्तान को नुकसान दे रही थी मुसलसल। वो डायरेक्ट ट्रेड नुकसान नहीं दे रही थी, एक प्रोविजन हमने दे रखी है अफगानिस्तान को, वो है अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, उसका अपना कोई बंदरगाह नहीं, तो उसके लिए जो सामान आता है वो कराची आता है या वो ईरान के किसी पोर्ट पे आना चाहिए, पोर्ट्स पे आता है ना। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये फैसिलिटी दी अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत
कि जी आप सामान यहाँ पे मंगवा लें और फिर यहाँ से कंटेनर्स में वो अफगानिस्तान चला जाएगा। अब होना क्या शुरू हुआ कि उसमें से 40% सामान वो आ रहा था जो कि अफगानिस्तान में कंज्यूम ही नहीं होता। अब चूंकि जब वो सामान यहाँ पोर्ट पे आता है तो अफगानिस्तान के लिए जा रहा है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, अब वो जा रहा है और वो सारा का सारा पाकिस्तान वापस आ रहा था, तो उसको रोका गया अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मिसयूज को। तो जो सारी जो लग्जरी आइटम्स थी वो सब वो थी जो कि अफगानिस्तान के नाम पे इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में बिक रही थी। पाकिस्तान को एक तो ये है कि उस पर जो टैक्सेस और जो ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, वो उसको नहीं मिल रही थी। सेकंड, वो इकॉनमी चूंकि डॉक्यूमेंट नहीं हो रही थी तो जाहिर है कि वो स्मगल होकर आ रहा था तो उसका भी एक नुकसान हो रहा था, और सामान के बदले में यहाँ से डॉलर भी वहां जा रहे थे। तो ये पिछले 2 साल से जबकि अफगानिस्तान में हर तरह की उसकी पाबंदियां हैं, बैंकिंग चैनल्स बंद हैं, तो अगर वो 2 साल से सर्वाइव कर रहा है तो पाकिस्तानी डॉलर्स पे कर रहा था। तो ये कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जो लिए गए इकॉनमी में, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो 360-370 से गिर के वो सॉरी 260-270 से गिर के वो अब एक नॉर्मल रेट पे आया, 350 को टच कर रहा था, तो वो इसी वजह से वो 280 पे आया है कि ये कुछ जो कोर्स करेक्शन मेजर थे दे एक्चुअली वर्क्ड। इसी तरह से आप देखें कि चीनी एकदम से डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई थी, और फिर हमने देखा कि जब चीनी की अफगानिस्तान में स्मगलिंग रोकी गई, यहाँ पे जखीरांदोजी को हाथ डाला गया तो चीनी का रेट भी एकदम से नॉर्मल हो गया। और तो और पिछले 50 सालों से जो बिजली चोरी हो रही है और सबको पता है कि हो रही है, उसको कोई नहीं रोक रहा था। अब जब हमें लग रहा था कि IMF की शरायत के तहत अब हमें बिजली के नर्ख भी बढ़ाने हैं, बिजली महंगी पैदा हो रही है, और ऐसे में सारे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी आप अपने सिस्टम में चोरी रोकें, तो आपने देखा जो ही पॉलिटिकल विल जो है वो उसका इस्तेमाल हुआ तो बिजली चोर भी आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए, बिजली चोरी भी पकड़ी जाने लगी। तो पिछले 4-5 माह में केयर टेकर गवर्नमेंट ने, चूंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं था, अब वो हमारी मईशत के साथ बदकिस्मती से ये हो रहा था पिछले 60-70 सालों में कि हर दफ़ा कोई ना कोई सियासी मुसलहत जो है वो आड़े आ जाती है। तो जब हम सबको पता है कि मईशत के साथ व्हाट्स रॉन्ग विद द इकॉनमी, और हम सबको पता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, लेकिन ये जो व्हाट्स रॉन्ग है व्हाट्स नीड्स टू बी डन के बाद का जो है सफ़र, वहाँ पे पॉलिटिकल जो आपकी हैं कंप्रोमाइजेस वो आ जाते हैं। कभी आप टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं रिटेलर्स पे तो एक सियासी जमात हर्ट होती है, आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं स्टील मिल को तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज का कराची में होल्ड है वो मुतासर होती हैं, आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो रूरल लॉबी जो है वो मुतासर होती है, आप रियल स्टेट पे और डेवलपर्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो ये जो बड़े बड़े रियल स्टेट टाइकॉन्स हैं जो कि तमाम सियासी जमातों को रन कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो मुतासर होते हैं, अगेन वहाँ से जो है मुजाहमत शुरू हो जाती है। तो ये मैं अप्रिशिएट करूँगा कि पिछले 3-4 माह में डॉक्टर शमशाद अख्तर जो कि बड़ी सीजनड बैंकर भी हैं, UN में भी उन्होंने काम किया है, पहले भी वजीर ख़जाना रही केयर टेकर, तो उन्होंने और उनकी टीम ने अलॉन्ग विद SIFC एटलीस्ट उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को एक सही डायरेक्शन पर डाल दिया है। अब आगे क्या होगा ये इलेक्शन के बाद की बात, और उस पर हम अगले राउंड में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की कि सही डायरेक्शन पे डाल दिया है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सही डायरेक्शन में चल रहा है? देखिए, जब मैं सही डायरेक्शन कह रहा हूँ तो सही डायरेक्शन क्या है? सही डायरेक्शन ये है कि आप अगर महंगी बिजली बना रहे हैं या महंगी गैस ले रहे हैं तो आप उसको सस्ता नहीं बेच सकते। अगर आप मतलब आप कह रहे हैं कि सब्सिडी ने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गरक किया हुआ था, हर जगह जो है वो जनरलाइज सब्सिडी में। अच्छा, लेकिन हम ये देखते हैं एक जो प्राडो वाला है उसको भी अगर पेट्रोल आप उसी रेट पे दे रहे हैं जो कि मोटरसाइकिल वाले को दे रहे हैं, तो प्राडो वाले की एक दिन की कंजम्पशन मोटरसाइकिल वाले के बेचारे की 10 दिन की कंजम्पशन के बराबर है। लेकिन तो, आपने दुनिया देखी है, आप अगर हम अमेरिका की बात करें तो मैं आज जाके महंगी से महंगी गाड़ी खरीद सकता हूँ, इवन हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरा क्रेडिट अच्छा है, लेकिन मैं उसको रख नहीं सकता क्योंकि उसके बाद मुझे उसको हर महीने हर साल टैक्स देना पड़ेगा
वो टैक्स इतना ज्यादा होता है हर हिसाब से। अगर मैं एक छोटी टोयोटा करोला ले रहा हूँ तो उसका भी नई गाड़ी का टैक्स $700-800 साल का होता है, लेकिन अगर मैं कोई लेक्सेज और ये खरीद रहा हूँ तो उसके $4,000-5,000 या $8,000 आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हमने देखा है कि गाड़ियों के मामले में अगर 2 करोड़ की गाड़ी है और जो छोटी गाड़ी है किसी के पास 20 लाख की 25 लाख की, तो टैक्स के हवाले से हमने देखा है कि वो इतना ज्यादा वो जो जिसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है वो नहीं दे रहा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग है, मतलब आप 7 करोड़ का घर बेचते हैं तो 30 करोड़ जो है वो 3 करोड़ जो है वो कैश दे देते हैं, 4 करोड़ जो है बैंक से। इस पे अगर पाकिस्तान जो है वो सख्ती करना शुरू किया है या आज भी वैसे ही है जैसा पहले था। जी ये पिछले 2 रोज से इस पे एक्चुअली प्रैक्टिकली काम शुरू हो गया। तो ये डाटा ट्रायंगुलेशन है। देखिए आप जितने भी यहाँ पे समुद्र पार पाकिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तान में कोई ट्रांजैक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि CNIC नंबर जो कि 80% आबादी के पास है, जब तक आप अपना CNIC नंबर नहीं देंगे तब तक ना आप कोई ट्रांजैक्शन गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, मकान किराए पे ले सकते हैं, एयरलाइन की टिकट ले सकते हैं, ट्रेन की टिकट ले सकते हैं, यानी कैश पे होने वाली ट्रांजैक्शन के अलावा जो कि पाकिस्तान में काफ़ी आम है। लेकिन जो भी बड़ी ट्रांजेक्शन हैं, क्लब की मेंबरशिप्स है, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना है, बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाना है, बैंक अकाउंट खोलना है, हर चीज़ के लिए आपको CNIC चाहिए। तो अब ये डाटा ट्रायंगुलेशन में क्या हुआ है कि FBR ने और नादरा ने इन्होंने अपने डाटा बेसिस जो है इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि और उसके साथ बैंक्स को इस चीज़ का पाबंद कर रहे हैं कि FBR अगर चाहे तो जहाँ पे उनको लग रहा है कि जी लोगों का रहन सहन, उनके असासे जो हैं वो उनके दिए हुए टैक्स से मुताबकत नहीं रखते तो वो बैंक से तफसील भी ले सकते हैं। तो अगर ये तीन चीज़ें जो हैं ये एक जगह पे इकट्ठी होती हैं तो आई एम श्योर कि टैक्स चोरी जो है इसमें कमी आएगी। बदकिस्मती से अभी भी यहाँ पे जो हैं कैश ट्रांजेक्शन वो काफ़ी हैं। मेरा तो ख्याल है कि अगला स्टेप ये होना चाहिए कि एक खास लिमिट के बाद आप कैश ट्रांजेक्शन पर पाबंदी लगा दें। यानी हम इसलिए कैश ट्रांजेक्शन को नहीं रोकते ना कि जी एक बंदा जो पेरिफ्री में बैठा है जिसके पास वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, या इवन फोन पे उसने अकाउंट नहीं बनाया है, उसको कुछ खरीदना है तो वो क्या करेगा। तो 50,000 पर डे, 1,00,000 पर डे कोई एक लिमिट जो है वो रख दें, उसके बाद आप अगर आप कंपल्सरी कर देते हैं तो जाहिर है कि आप फौरन वो डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। यानी आप यूरोप में अपने अकाउंट में भी कैश जाके जमा नहीं करवा सकते हैं, वहां पे भी आपको बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये नहीं कर सकते कि आप एक बैग भर के पैसों का ले जाओ, कहिए मेरे अकाउंट में ये मेरे पैसे जमा कर दो, तो आपको अपने पैसों का वो डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगी। तो लेकिन बदकिस्मती से एक जो पेनफुल चीज है वो ये है कि ये सारी चीजें हमने IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ कमिटमेंट करके पूरी कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स जो कि हमें खुद कर लेनी चाहिए थी। अच्छा। लेकिन जो इसमें ब्राइटर साइड है कि चले किसी के कहने पे ही सही, डिफॉल्ट के धाने पे पहुंच के ही सही, लेकिन कम से कम अब इन पे काम जो है वो तो शुरू हो गया। देर आए दुरुस्त आए। सियासी सरगर्मियों में हर वक्त जो है इतना उतार चढ़ाव होगा तो इंटरनेशनली जो है इन्वेस्टर जो है वो परेशान होता है। और हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सरगर्मियां होती हैं आपका इन्वेस्टर जो है कम हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई हैं, आ रही हैं? क्योंकि हम काफ़ी देखते रहते हैं कि जी UAE से कोई मुआहदा हुआ है या किसी और कंट्री से मुआहदा हुआ है, क्योंकि अब जो है वो कैश नहीं दे रहे, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हमने देखा कि कैलिफोर्निया के कई बिजनेसमैन इस वक्त लास्ट ईयर जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट का कहा है और मेरा ख्याल कर भी रहे होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर सियासत उतार चढ़ाव है उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए ताकि दूसरे जो ममालिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से आप कहेंगे कि जी आप आए हमारे साथ, आपका जो पैसा है। देखिए पहले तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी इज अ किलर फॉर इकोनॉमी, और स्पेशली जब वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो जिसमें कि ये पता ना हो कि अच्छा आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली पॉलिसीज को जारी रखेगी, पिछली प्रायोरिटीज को जारी रखेगी, कुछ
नई पॉलिसीज ले आएगी, क्या एक्सचेंज रेट क्या होगा, टैक्स एग्जम्पशंस का क्या बनेगा, टैक्स रेट का क्या बनेगा वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर ये सारा कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होती तो उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स थे इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल 2018-19 में आप देखिए कि कौन सी बड़ी शख्सियत है पाकिस्तानी दोस्त ममालिक की जो कि पाकिस्तान नहीं आई, तो महातीर मोहम्मद से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सब लोगों ने विजिट किया, सब लोगों ने जो है हंड्रेड ऑफ बिलियन डॉलर्स के एमओयू साइन किए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ एमओयूज ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर की नज़र हो गए, कुछ एमओयूज जो थे वो फॉलो अप उस पर नहीं हुआ, कुछ एमओयूज पे जब काम होना शुरू हुआ तो पता चला कि ये तो प्रोविंशियल डोमेन है, सूबों का काम है, वफाक इस पर एमओयू कर ही नहीं सकता। कुछ एमओयूज पे काम शुरू हुआ, जैसे टर्क्स थे उन्होंने यहाँ पे एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना था, उस पर जब काम शुरू होने की बारी आई तो पता चला कि जी ये तो जो जापानीज़ को हमने कंसेशन दे रखी हैं 3 कंपनीज को, वो हम किसी और को ऑफर नहीं कर पाएंगे अभी, तो लिहाजा वो तो ये जो सारी सूरत हाल थी उसमें जाहिर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एमओयू तो होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ती। अब इसका हल क्या था, और इसका हल जो है वो उस पर एक कोई फोरम होना चाहिए था जो कि अश्योरेंस दे सके कि जी पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी होगी, पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी भी होगी, इसका फॉलोअप भी होगा, अगर कोई सुर्ख फीता है तो उसको ख़त्म किया जाएगा, अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है तो उसको ख़त्म किया जाएगा। अब ये फोरम कैसा होना चाहिए था, तो पाकिस्तान की तारीख में हमें रिसेंट पास्ट में दो मिसालें जो थी वो नज़र आई। एक थी कोविड के दिनों में NCOC, तो NCOC और इस वक्त चूँकि मैं नॉर्थ अमेरिका में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, हर इंसानी जान बहुत कीमती है, लेकिन आप देखिए कि NCOC का होना जो है वो इवन नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा बेटर हमने कोविड को मैनेज किया। अगर आप नॉर्थ अमेरिका से हटके आ जाते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया एक जैसी क्लाइमेट, एक जैसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, एक जैसी बाकी चीज़ें, जो डेल्टा वेरिएंट जो आया था आप देखिए कि बदकिस्मती से इंडिया में उसने मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइंग, और डेली की जो डेथ थी वहाँ पे बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करना जो है वो मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान में उस वक्त भी जो था वो कंटेंट था कोविड, तो उसमें जो क्रेडिट है वो NCOC को जाता है कि वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, चारों वज़राए आला भी, चीफ सेक्रेटरीज भी, प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा असद उमर साहब उसमें जाते थे, और उसमें आर्मी के एक जो रिप्रेजेंटेशन थी वो भी होती थी, हेल्थ सेक्रेटरीज, और ये सब लोग डेली बेसिस पे बैठते थे और ये फौरन डिसाइड करते थे अच्छा वहाँ पे मास्क नहीं है, वहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, वहाँ पे वैक्सीन जानी है, वहाँ पे लॉकडाउन करो, वहाँ पे लॉकडाउन ना करो, और बहुत अच्छा हो रहा। दूसरा जो हमारी सक्सेस स्टोरी है पिछले इस रिसेंट पास्ट में वो फाटफ की है। फाटफ की ग्रे लिस्ट पे हमें डाला गया, उसके साथ एशिया पैसिफिक ग्रुप है उनकी स्क्रूटनी में डाल दिया गया, तो डबल हमें अपने वो जो थे एक्शन पॉइंट्स वो पूरे करने थे। कुछ एक्शन पॉइंट जो थे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, कुछ जो थे वो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड थे। अगेन वहाँ पे एक सेल बना जिसमें कि अस्करी और सियासी क्यादत शामिल थी, उसमें तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के हेड शामिल थे, और आपने देखा कि पाकिस्तान माशाल्लाह सुरखरू हुआ। तो उसी इन दो मिसालों को फॉलो करते हुए SIFC का क्याम अमल में लाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में किया ये जा रहा है, और स्पेशली ये सऊदी अरब के लिए, कतर के लिए, UAE के लिए, टर्की के लिए, चाइना के लिए, के इन और बाकी दुनिया के लिए भी कि इनके इन्वेस्टर्स आए वन विंडो ऑपरेशन में, इनको तमाम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन दी जाएगी। अब जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम है कि सियासी जो तब्दीलियां और सियासी अदम इस्तेहकाम उसके होते हुए कौन आएगा, तो वहाँ पे साथ में जो अश्योरेंस दी गई वो आपको अस्करी क्यादत की तरफ से दी जा रही है कि जी आप आइए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, पॉलिसी कंसिस्टेंसी, पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी जो है, देर इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ गारंटर टू द इन्वेस्टमेंट, और हम देख रहे हैं कि उसके जो है वो सम्राट मिलने शुरू हो रहे हैं। अगेन ये जो MOUs अभी साइन हो रहे हैं, ये इसका फॉलोअप अगर नहीं होगा तो MOU फॉर द सेक ऑफ MOU इज नथिंग। नाउ इज द रियल टेस्ट फॉर SIFC, एंड वन होप्स के अगली हुकूमत जो है वो भी इस SIFC को जारी रखेगी, और जिन लोगों ने MOU साइन किए हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ हम
ट्रीट करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मटेरियलाइज कर पाएंगे। अच्छा, एक बड़ा ये मैं जो आपसे सवालात कर रहा हूँ, ये यहाँ नॉर्थ अमेरिकन बेस जो लोग हैं जब हम बैठते हैं तो उनके ये सवालात ज़रूर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट जो है वो बूम करता है हर वक्त, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपना एक घर पाकिस्तान में रखना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग ज़्यादातर जो है यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो घर बहरा उनका कहीं ना कहीं फैमिली का या उनका भी होता है, लेकिन जो अरब कंट्रीज में रहते हैं उनका तो एक, क्योंकि उन्हें वापस जाना होता है हर सूरत में। तो हमने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं खबरों में जब आते हैं कि जी इस ये वाला जो प्रोजेक्ट था उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये सही नहीं है, तो इसके लिए जो हुकूमती सतह पे अगर ऐसा कोई ऐसा आप लोग कोई काम कर रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसको हुकूमत जो है वो क्लियरेंस दे कि आइंदा 100 साल भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बात नहीं होगी, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप दिल खोल के अपने आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई ऐसी चीज लाइन में है आप लोगों के? देखिए सदीकी साहब, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना ये जो एहतसाब और ट्रांसपेरेंसी ये पॉलिटिकल जार्गन्स बन के रह गए हैं, और मैं चूंकि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हूँ, किसी हुकूमती अदारे से मेरा ताल्लुक नहीं है, सो आई कैन से कि बदकिस्मती से ये एक पॉलिटिकल टूल बन गए जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का अतमाद इनसे उठ गया इन बातों से, और अब ये सरेआम ये बात होती है कि जी अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो हमें एक ट्रांसपेरेंट जुडिशल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ जो है उसको इंश्योर करना होगा, बजाय इसके कि हम कोई स्पेशल व्हीकल्स बनाएं जो कि एहतसाब कर रहे हों या जो ट्रांसपेरेंसी को देख रहे हों कि जी हो रही है या नहीं हो रही। यानी आपके पास अमेरिका में कितने वो एहतसाब कोर्ट्स हैं, जाहिर है कि रूल ऑफ लॉ है, और अभी हमने देखा कि सिटिंग प्रेसिडेंट है उसके बेटे को चार्ज किया गया, हमने देखा कि आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके जो एसेट्स है कि जो बढ़ा के दिखाए गए लोन लेने के लिए उस पर उन पर बात हुई, तो रूल ऑफ लॉ है ना, तो उस रूल ऑफ लॉ पे आप यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर उस पर नहीं आता। पाकिस्तान में अब मेरा ख्याल है कि हमें अदलिया को मजबूत करना होगा, और हमें जो है एक इंडिपेंडेंट अदलिया और रूल ऑफ लॉ जो कि सबके लिए हो उसकी जानब हमें फोकस करना होगा, बजाय इसके कि हम हर एक पे करप्शन के इल्जाम लगाते चले जाएं और फिर वो इल्जाम जो है वो ओवरनाइट वो खत्म ही हो जाते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रही है वो है आपका सोशल मीडिया, आई थिंक डेट इज़ अ पावर। तो अब जो आपके पास सिटीजन जर्नलिज्म आई है ना, आपके पास टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, एक्स प्लेटफॉर्म जो कि आपका ट्विटर था, फेसबुक है, और यूट्यूब है, ब्लॉगर्स हैं, तो अब जो है यानी अगर कोई एयरपोर्ट पर जाके प्रोटोकॉल लेने की कोशिश भी कर रहा होता तो वो भी डर रहा होता है वीआईपी कि यार ये अच्छा यहाँ पे कोई भी अपने फ़ोन से पिक्चर बना लेगा और ये कल वायरल हो रही होगी कि फलां साहब या साहबा ये कतार तोड़ के देखे जी ये यहाँ पे प्रोटोकॉल ले रहे थे और बाकी सब लोग जो थे लाइनों में लगे हुए थे। तो ये जो एक एहसास पैदा हो रहा है अकाउंटेबिलिटी का, आई थिंक सोसाइटल लेवल पे डेट नीड्स टू बी स्टैंडर्ड, और जाहिर है कि अगर कहीं पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी चीज़ों पे तो उसको ज़रूर रूल के मुताबिक लॉ के मुताबिक उसकी होनी चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए, लेकिन ये जवाब नहीं बन जाना चाहिए कि हर एक को बगैर इल्ज़ाम के जिस पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दिया जाए करप्शन का और फिर जब मर्जी उसको हटा लिया जाए। मैं इसी से रिलेटेड मेरे दो सवाल हैं, प्रोग्राम का टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि उसका जवाब आप ज़रूर दें कि हमने देखा कि कराची जो है वो मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेसेस कराची में है। मैंने 2013 में कराची पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें मैं गया था कोरंगी के इलाके में जहाँ 7,000 छोटे बड़े कारखाने थे, और जब फिर मैंने शान के सुल्तान साहब के से जो हैं जो सीईओ हैं उनका भी इंटरव्यू किया था और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कराची में पॉकेट्स के अंदर अगर आप देखें
सिर्फ एक इलाके में 7,000 हैं, अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो वहां पे तो मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रियों के जाल हैं पूरे कराची के अंदर। लेकिन आपको लगता है कि कराची के अंदर उस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है कि आपके पास समंदर है, वहां से हजारों कंटेनर रोजाना निकलते हैं और पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कराची की ये जो रोड्स हैं, कराची के अंदर जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इन पर एक दफा नजरसानी करके इस पे तवज्जो देनी चाहिए तो आपका बिजनेस और बूम करेगा? देखिए सिद्दीकी साहब, इस दफा जो अभी 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे होंगे और एक जो इंडिपेंडेंट हलकों से जो डिमांड आ रही है सियासी जमातों पे, वो ये है कि NFC की तर्ज पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है उनको अनाउंस किया जाए। तो जैसे वफाक सूबों को देता है फंड्स, सूबे जो हैं वो फिर आगे लोकल गवर्नमेंट्स को दें और वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स को दें ताकि वहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जा सके। दूसरी जो इस पर डिमांड आ रही है वो है कि सूबों को अपना रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे अभी आप कह रहे थे प्रॉपर्टी के टैक्सेज हैं या पानी का टैक्स है या बाकी जो टैक्सेज हैं, और ये टैक्सेज जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इकट्ठे होने चाहिए ताकि जैसे आपके यहाँ होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट टैक्सेज हैं वो लोकल उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे स्पेंड हो रहे होते हैं तो आपको पता होता है, और आप जाके बड़े धड़ल्ले के साथ जाके जो मेयर है उसके सर पे सवार हो जाते हैं या जो काउंटी असेसर है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सर पे सवार होते हैं कि जी मेरे पैसे दे रहे हैं तो ये मेरे बच्चे के लिए स्कूल में ये बस जो है ये क्यों खराब है, ये लेट क्यों हो रही है या वगैरह वगैरह। तो ये जो जब तक हम लोकल लेवल पे इसको एम्पावर नहीं करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स को, तब तक ये कराची के मसाइल जो हैं ये हल नहीं हो पाएंगे। और इसकी तरफ भी अगेन चूंकि हमें सोसाइटल कोहिजन की बात करना है और उसकी तरफ हम देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो July 23 है इसको मैं एक डिसाइसिव मोमेंट कहूँगा कि इस मोमेंट के बाद तमाम सियासी जमातें जो हैं, और मैं चूंकि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक को हेड करता हूँ जिसको मैं हम हर एक के साथ रबते में होते हैं, तो इस वक्त एक बड़ी क्लियर रियलाइजेशन मिल रही है तमाम सियासी जमातों में कि वो मोमेंट जो था अगर उसको हमें अवॉइड करना है तो बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। और बिजनेस अनयूजुअल में जो एक चीज है वो ये भी है कि सूबाई टैक्सेस कैसे बढ़ाए जाए और फिर वो टैक्सेस जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स तक कैसे दिए जाए। अच्छा, स्टॉक मार्केट पे हम आते हैं। हमारे डॉक्टर तारिक भट्ट हैं, शिकागो मेडिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट, तकरीबन 17,000 डॉक्टर्स हैं, और वहाँ पर हम मैं एक तकरीब में गया तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी दुनिया में जो ममालिक हैं कहीं पाकिस्तान 22वें नंबर पर आता है, कहीं 40वें नंबर पर आता है। स्टॉक एक्सचेंज में उस दिन उन्होंने बताया कि वो दूसरे नंबर पर है दुनिया में जो बेस्ट स्टॉक है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी थोड़ा सा सुकून होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस हिस्से में जो है तरक्की होनी शुरू हो जाती है और या अच्छा लगना शुरू हो जाता है? जी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो पिछले चंद रोज में वो हिस्टोरिक हाई पे थी, गुज़श्ता हफ्ते में 61,000 का इंडेक्स जो था उसने हिस्ट्री में पहली दफा अबूर किया था, और उसमें जो 40% के करीब जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। अब और उसमें जाहिर है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है। अब पहले लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, रियल एस्टेट जो है जब उसमें स्लम आया तो वहाँ से पैसे निकाले, फिर लोगों ने डॉलर पाउंड बाय करना शुरू किए जो कि होल्डिंग का और वो ब्लैक मार्केटिंग का जरिया बने, जब वहाँ पर क्रैकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने वहाँ से भी पैसे निकालना शुरू किए। अब जाहिर है कि वो पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होना है, तो अगर आप ये जो लूप होल्स हैं इकॉनमी में, ये होल्डिंग ऑफ डॉलर्स, ये ब्लैक मार्केटिंग ऑफ डॉलर्स, और प्रॉपर्टी में जैसे आपने कहा था कि 7 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी, 3 करोड़ कैश में दे दिए, 4 करोड़ के डॉक्यूमेंट्स बन गए, तो इकॉनमी का डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी जैसे कि अभी आ रही है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे नॉर्थ अमेरिकन जो लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तान के हवाले से कि आज आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं और आगे आने वाले अगर इसी तरह चलता रहा तो कैसा देखेंगे? देखिए जी, मैं
जो भी पाकिस्तान आता है, जब तक आप पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है क्योंकि बदकिस्मती से हमारे बारे में तमाम नेगेटिव खबरें ही बाहर लिखी पढ़ी बोली जाती है, खबर ही वो है पाकिस्तान के बारे में जो कि नेगेटिव हो, तो ऐसा लग रहा होता है कि आज गया कि कल गया। बट आई एम श्योर कि आप में से जो भी अपने फैमिलीज को या सैर व सियाहत के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, सो द मोमेंट यू लैंड इन पाकिस्तान एक ऑर्डरली कैओस तो आपको मिलता है, हर तरफ अफरा तफरी है, गैमा गैमी है, लेकिन वो जो आपके जहन में होता है कि बस पाकिस्तान अभी गया, कम से कम आपको वो वाली कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। इवन आप पेरिफ्री में भी चले जाएं, पेरिफ्री में यकीनन वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी कहना चाहिए कि आपके यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं यूरोप में, पाकिस्तान में वो बिस्प के अलावा वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर मैंने अपने घर में कोई डोमेस्टिक सर्विस के लिए लोग रखे हैं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी नीड ऑफ देम, खा वो बीमारी है, खा वो उनकी शादी गमी है, खा वो उनकी तालीम है। तो ये जो फिलंथ्रॉपी है जो कि हर कोई पाकिस्तानी अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहा होता है, तो डेट इज़ वेरी मच देयर। फैमिलीज एक दूसरे के साथ जॉइंट फैमिली में होने की वजह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, वैसे चैरिटी का बड़ा कल्चर है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़रूर है, इनइक्विटी भी है, लोगों की इनकम्स में डिस्पैरिटी भी बहुत है, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा कोई नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसमें कोई भूख का राज है या पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये बदमनी का राज है। इसमें पाकिस्तान में हर तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। क्या अभी तक आपने देखा कि जी रोटी महंगी होगी और उस पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो उनमें पूरी नहीं पड़ रही? यकीनन इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद हिट हुई है, बट अगेन जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में इतनी कोहिजन मौजूद है कि एक दूसरे का शौक अब्जार्बर वो और एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम वो बनते हैं, जो कि शायद ये आर्गूमेंट दिया जा सकता है कि हुकूमत का काम है, हुकूमत को करना चाहिए, मैं आपका ख्याल क्यों रखूँ या आप मेरा ख्याल क्यों रखें, लेकिन जब तक हम उस आइडियल सिस्टम तक नहीं पहुँचते तब तक हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। और उसमें हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भाई बहनों के बहुत मशहूर हैं कि आपकी रेमिटेंसेस जो हैं डेट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और यकीनन हम चाहेंगे कि आप जब भी पाकिस्तान आए आपको अच्छा लगे, और हम सब मिलके पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिफाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा मुस्तकबिल डिफाइन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबे साहब आपका। नाज़रीन, ये प्रोग्राम करना इसलिए ज़रूरी था कि पिछले कई माह से हम स्पेसिस पर और सोशल मीडिया पर ये देख रहे थे कि जनाब पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन सी तबाही होने वाली है, पाकिस्तान के अंदर भूख का राज है और पाकिस्तान जो है वो बैंक करप्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने प्रोफेशनल कुलीग से बात करते हैं, तो वो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जब वहां जाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। भूख हमने दूसरे ममालिक में भी देखी है, लेकिन हम जब पाकिस्तान के अंदर फिजिकली लोगों से यहाँ पे फोन पे बात करते हैं तो हम उस तरीके से वहां पर वो गुर्बत नहीं देख रहे जो कि इस वक्त दूसरे ममालिक में है। तो यस, होप होनी चाहिए। कहते हैं कि हर सांस के बाद दूसरे सांस की उम्मीद जो है वो इंसान को ज़िंदा रखती है, और मेरी और आपकी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो। कैसे हो वो आज डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर इन इन जगहों पर आप फोकस करेंगे तो एक टाइम के बाद जो है पाकिस्तान में जो लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जैसा कि डॉलर के हवाले से बताया उन्होंने कि अफगानिस्तान में और दूसरे तरीकों से डॉलर को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, और मेरा ख्याल है कि अगर अभी सही कंट्रोल रखा जाए, स्मगलिंग ना होने दी जाए, स्पेशली जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर आया कि किस तरीके से डॉलर को भी स्मगल किया जा रहा है, तो डॉलर अभी और भी नीचे आएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नॉर्थ अमेरिकन लोगों को पाकिस्तान के बारे में बताने का, और हम आपसे कंटिन्यू जब आप यूएई दुबई से वापस आएंगे तो हम आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे ताकि हम देखें। क्लाइमेट एक बड़ा वो है और इस पे ही हमारा प्रोग्राम पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में के में जो सैलाब के बाद हुआ मीडिया ने शायद उस तरीके से दुनिया को नहीं दिखाया कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, फिर मैं प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब जी
बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि उम्मीद की जाती है कि अगले इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी या पार्टीज जो हैं वो हुकूमत में आएंगी वो इन तमाम चीज़ों को जहन में रख रही होंगी। सिर्फ दो इस वक्त हमारे पास गेम चेंजर हैं जो कि मेक और ब्रेक हैं। पहला जो है वो है इस वक्त आपका मशरक वस्ती की सूरत हाल और एनर्जी प्राइसेस जो कि शायद अफेक्ट कर सकती हैं मुल्क में फ्यूल के टैरिफ को और बिजली और गैस के टैरिफ को, अगर खुदा न खास्ता वो एस्केलेट होती है, और वहाँ पे भी शुक्र है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। दूसरा जो है वो क्लाइमेट चेंज है। पाकिस्तान में 10 नोबल लॉरियट्स को भी बिठा दें आप इकॉनमी ठीक करने के लिए, एक मानसून जो है वो खुदा न खास्ता बुरी आ जाए तो आपकी 20 साल की तरक्की जो है वो पीछे चली जाती है। और होपफुली हम इस क्लाइमेट चेंज पे पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव रोल है, COP27 में पाकिस्तान ने एक लीडरशिप रोल प्ले किया था लॉस एंड डैमेज फंड को अनाउंसमेंट, और कल जब COP28 का आगाज़ हुआ दुबई में तो उसमें ये फंड का बकायदा क्याम भी आ गया, और UAE गवर्नमेंट समेत बाकी हुकूमतों ने इसमें पेमेंट भी करना शुरू कर दी उन ममालिक के लिए जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल हैं। तो पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि डोमेस्टिक सतह पे बल्कि इंटरनेशनली भी जहाँ जहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर के तौर पे उसको मौका मिलता है वो एक अहम रोल प्ले करता है और इंशाल्लाह करता रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन, इसकी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक, कासिम सिद्दीकी को खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.